एक ढाबे पर मैं दाल और रोटी खा रहा था कि तभी चिथड़े नुमा साड़ी पहने और साड़ी के पल्लू से अपनी गोद में लिए शिशु को ढांपे एक महिला वहां भीख मांगती आई और मुझसे 10 रुपए मांगने लगी। मेरे मन में सदकर्म का इच्छा जागी, परंतु उस महिला को रुपए देना उचित न समझकर मैंने उसे खाना खाने को बोल दिया। वो राजी हो गई। तुरंत ही उसे ढाबे वाले ने मैदे की 2 रोटी और दाल दे दी। मेरा विचार था कि उसे रोटियां गर्म ही मिले, बस इसी वजह से मैंने 2 रोटियों का ऑर्डर कह दिया ताकि और मांगने पर उसे फिर से गर्म रोटियां मिले। वहीं पटड़ी पर बैठ उस महिला ने 1 रोटी बड़ी तेजी से खाई और दूसरी रोटी अपने पास में बैठी एक कुतिया की तरफ फेंक दी और अगली 2 रोटियों की लालसा में मेरी तरफ देखा। मैंने उसकी उस हरकत को देखकर गुस्से में उससे कहा, मुझे मुफ्त में मिली है क्या? तुझे मुफ्त में मिली है लेकिन मुझे रुपए देने हैं और तूने रोटी उस कुतिया को क्यों खिला दी? फिर उसके द्वारा बोले गए उन शब्दों ने मुझे ना जाने क्यों देवों द्वारा की गई आकाशवाणी का एहसास हुआ, जब वो मिश्रित भावनाएं युक्त परंतु बेहद शांत स्वर में वह बोली, मेरा तो एक ही है लेकिन उसके 4-4 बच्चे भूखे हैं। और मैं निशब्द हो गया। धन्यवाद।